दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी लॉजिक के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे लॉजिक दिया गया है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से किसी भी सर्किट डायग्राम को बिल्ड करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। मैसेज में क्या लिखा गया था मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ओके, तो उनका ये कहना था कि उनके पास में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हो रहा है कि जो ट्रक होगा, ट्रक आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। जो ट्रक होगा वो आके यहाँ पे यदि खड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो मोटर होगा, मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि उनको यहाँ पे दो मोटर का इस्तेमाल करना था, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और दूसरा राइट हैंड साइड के लिए। ओके, तो उनका रिक्वायरमेंट ये था कि जैसे ही ट्रक यहाँ पे आके खड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली मोटर चालू हो जाना चाहिए और ट्रक ढूंढना स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ट्रक यहाँ से मूव आउट होता है तो जो पंप होगा वो पंप कुछ देर तक रन करेगा, जैसे कि यहाँ पे टाइम भी दिया गया है 30 सेकंड तक रन करवाना है। 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली पंप ऑफ हो जाना चाहिए। स्टार्टर बनाने के लिए एक और कंडीशन रखा गया था कि उनको ऑटो मैनुअल वाला भी सिस्टम चाहिए, यानी कि उनका जो पंप है वो ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, साथ ही साथ में यदि उनको मैनुअली भी चालू करना है तो चालू करने का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मैंने सर्किट डायग्राम बनाया, चलिए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, उनका कहना था कि उनके पास में 3 फेज का मोटर है, ठीक है, तो 3 फेज का मोटर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब जो मोटर है उस मोटर को चालू और बंद करने के लिए आपको मालूम है कॉन्ट्रेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको 2 वाटर पंप का इस्तेमाल करना था, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और एक राइट हैंड साइड के लिए। तो ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैंने RYB तीनों फेज के पावर सप्लाई को ले जाके सबसे पहले कॉन्ट्रेक्टर में कनेक्ट किया, फिर कॉन्ट्रेक्टर के नीचे में ओवरलोड रिले को लगा दिया। ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई डायरेक्टली कॉन्ट्रेक्टर में चला गया। ठीक है, दोनों मोटर को मैंने सेम तरीके से कनेक्शन कर दिया। अब उनका जो रिक्वायरमेंट था उसमें यह भी कहा गया था कि उनको वोल्ट मीटर और अमीटर भी कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर को सीधा ही RYB तीनों फेस के साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया हूँ। आप यदि इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप डिजिटल वाली 3 फेस वाला जो वोल्ट मीटर होता है उसका कनेक्शन कर दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन सिंपल होता है, RYB 3 फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा और उसमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा यदि आप डिजिटल वाली मीटर इस्तेमाल करोगे तो वहां पे आपको फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा उस मीटर को चालू करने के लिए। वैसे डिजिटल वोल्ट मीटर का कनेक्शन किस प्रकार से किया था वीडियो मैंने बता दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए मैंने कनेक्शन कर दिया। इसके अलावा मुझे करंट को भी मेजर करना था, तो करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया, और मैंने जो यहाँ पे अमीटर इस्तेमाल किया वो CT वाली थी, यानी कि CT के साथ कनेक्शन करके करंट को मेजर किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो एक फेज का पावर सप्लाई है उसी फेज का पावर सप्लाई का करंट को मेजर करने के लिए कनेक्शन कर दिया। वैसे क्या होता है कि जो 3 फेज का मोटर है, 3 फेज के मोटर में तीनों फेज में पावर सप्लाई सेम टू सेम जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक अमीटर को कनेक्ट कर दिया जिससे कि उनका जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग कम हो जाए। मैंने उनको कॉल पे यह भी बता दिया था कि जो अमीटर होगा यदि उनको 3 फेज का इस्तेमाल करना है तो सेम तरीके से बाकी फेज का भी कनेक्शन करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे आवश्यकता नहीं है, केवल एक फेज का भी करंट मेजर कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि जो मोटर है उस मोटर में कितना एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। जो अमीटर होता है उसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें क्या करना होता है, जो सीटी है उस सीटी के अंदर से वायर जाना चाहिए पावर वाली, ठीक है। इसके अलावा सीटी के ऊपर में 2 टर्मिनल मिलता है, S1 S2। S1 से पावर सप्लाई जाएगा अमीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे और S2 वाला जो टर्मिनल होगा उससे वायर जाएगा अमीटर के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे। इसके अलावा जो सीटी होता है, सीटी का जो S2 वाला टर्मिनल होता है उस टर्मिनल को आपको अर्थिंग के साथ भी कनेक्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन जब भी आप कभी अमीटर का कनेक्शन करने जाओ तो उसका कनेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से मैंने अमीटर का कनेक्शन कर दिया, बाकी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग पे। अब जो कंट्रोल वायरिंग बनाने के लिए लॉजिक दिया गया था उस लॉजिक में मुझे ऑटो मैनुअल का इस्तेमाल करना था, इसके अलावा सेंसर का भी इस्तेमाल करना था जिससे कि यदि ट्रक यहाँ पे आता है तो ऑटोमेटिकली जो मोटर है मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाए। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला सर्किट डायग्राम बनाया हूँ, इसको एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था कि जो मोटर है उस मोटर को चालू
चालू करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल किया गया है, इस कॉन्ट्रेक्टर का सिंबल बनाना था। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर वन और कॉन्ट्रेक्टर टू का सिंबल बना दिया। कॉन्ट्रेक्टर वन का मतलब कि जो पहला मोटर है, उस मोटर को चालू करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल किया गया है उसका सिंबल ये वाला है। इसके अलावा जो सेकेंड मोटर है उसको चालू करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्टर है उसका सिंबल मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर को चालू करने के लिए मुझे यहाँ पे DOL स्टार्टर बनाना पड़ा। अब जो DOL स्टार्टर है उसमें आपको मालूम है सबसे पहले ओवरलोड रिले में पावर सप्लाई जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास में दो ओवरलोड रिले था, जैसे कि आप देख सकते हो एक ओवरलोड रिले यहाँ पर है और दूसरा ओवरलोड रिले यहाँ पर है। तो दो दो ओवरलोड रिले का कनेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों ओवरलोड रिले का, ये वाला ओवरलोड रिले और ये वाला, इन दोनों का जो NC कॉन्टेक्ट था उनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यानी कि मैंने क्या किया कि जो ओवरलोड रिले का 95 नंबर का टर्मिनल है इस पर सबसे पहले पावर सप्लाई को प्रोवाइड किया। अब इसका जो आउटपुट होगा वो हमें मिलता है 96 नंबर के टर्मिनल पे। तो इस पॉइंट से एक वायर को लेके गया और दूसरा जो ओवरलोड रिले है उसका जो NC कॉन्टेक्ट है उस NC कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई दे दिया। यानी कि इस 95 नंबर टर्मिनल पे सबसे पहले पावर सप्लाई आएगा, फिर इससे पावर सप्लाई जाएगा 96 नंबर के टर्मिनल पे, फिर यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा सेकेंड वाले ओवरलोड रिले के 95 नंबर के टर्मिनल पे। मैंने इन दोनों ओवरलोड रिले को सीरीज में इसलिए कनेक्ट कर दिया जिससे कि दोनों मोटर में से यदि कोई भी एक मोटर ट्रिप होता है तो इस कंडीशन में दोनों मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए, यानी कि बंद भी एक साथ दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इनसे पावर सप्लाई जो गया उसको ले जाके इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जाएगा उसको ले जाके मैंने सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने इंचिंग सेलेक्टर स्विच लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक और सेलेक्टर स्विच है जो कि ऑटो मैनुअल वाली सेलेक्टर स्विच है। दोनों सेलेक्टर स्विच का वर्किंग सेम है, सेम टू सेम है, बस केवल यहाँ पे मैंने नाम डिफरेंट कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंट क्यों किया एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पे उनका वाटर पंप है, उस वाटर पंप में से यदि केवल उनको एक वाटर पंप को चालू करना है तो उसमें क्या होगा कि जो बटन है यानी कि जो स्टार्ट पुश बटन होगा उसको यदि प्रेस कर दिया जाए तो जो पंप है वो पंप चालू हो जाएगा। यानी कि केवल एक तरफ का पंप यदि चालू करना है तो उसको चालू करने के लिए एक पुश बटन मैंने यहाँ पे लगा दिया था। ये जो बटन होगा इस बटन को जब तक हम प्रेस करके रखेंगे तब तक ही कॉन्ट्रेक्टर ऑन रहेगा, यानी कि तब तक ही मोटर हमारा रन करेगा। इसको रिलीज करते ही मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इंजन सर्किट में क्या होता है कि जो आपका मोटर है या फिर वाटर पंप है, उस वाटर पंप को, मोटर को यदि आपको केवल उस टाइम तक रन करवाना है जब तक कि आप पुश बटन को प्रेस करो तो उसको हम कहते हैं इंचिंग सर्किट, यानी कि जो सर्किट होगा उसको हम कहेंगे इंचिंग सर्किट। उसमें किसी प्रकार का होल्डिंग नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो उनका जो रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट में केवल ये कहा गया था कि उनको मोटर को केवल चालू बंद करना है, जैसे कि ये वाला जो फाइनल सर्किट डायग्राम है ये वाली। ठीक है, इस वाले सर्किट डायग्राम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल के टाइम पे केवल आप ये वाला समझिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच लगा दिया। सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट पे मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस सेलेक्टर स्विच को यदि मैं एक नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करूं तो पावर सप्लाई इस तरफ फ्लो होगा। इसके बाद इस सेलेक्टर स्विच को दो नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करूं तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई इस तरफ फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला सर्किट को समझते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस सेलेक्टर स्विच को इस पॉइंट पे करूंगा तो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे मिलेगा। तो यहां से पावर सप्लाई को ले जाके मैंने दूसरे वाले सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सेलेक्टर स्विच है इसका नाम मैंने रख दिया ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, यानी कि जो हमारा वाटर पंप है उस वाटर पंप को हमें ऑटोमेटिकली चालू करना है या फिर मैनुअल चालू करना है उसका ऑप्शन यहां पे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम मैनुअल कंडीशन को समझते हैं। तो इस सेलेक्टर स्विच का यदि हम एक नंबर पोजीशन सेलेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए स्टॉप पुश बटन में जाएगा। स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन में और यहां से पावर सप्लाई चला जाएगा कॉन्ट्रेक्टर में। ये जो यहां पे कनेक्शन किया गया ये पूरा का पूरा DOL स्टार्टर है, इसमें कोई भी लॉजिक अलग से नहीं लगाया गया है। अब ये जो कॉन्ट्रेक्टर है इस कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट बनाना था तो सिंपली इसी कॉन्ट्रेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल कर लिया होल्डिंग सर्किट के लिए। होल्डिंग सर्किट का जो एनो कॉन्टेक्ट होता है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल से देना होता है और इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई ले जाके इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे मैंने कनेक्ट कर दिया। आप चाहे तो स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेम चीज है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेक्टर है इसको चालू करने के लिए मैंने केवल यहाँ पे सिंपल कनेक्शन कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका रिक्वायरमेंट ये था कि जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो दोनों वाटर पंप एक साथ चालू हो जाना चाहिए। तो यदि आपको एक साथ दोनों मोटर को चालू बंद करना है तो सिंपली क्या करना होगा, इस कॉन्ट्रेक्टर का जो A1 है उससे एक वायर को ले जाके दूसरे कॉन्ट्रेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा, जैसे कि इस सर्किट डायग्राम में किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये जो फर्स्ट वाली कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को जो पावर सप्लाई आ रहा है, इसी में से एक वायर को लूप करके मैंने दूसरे कॉन्टेक्टर को भी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। आप ये वाला सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पावर सप्लाई जा रहा है इस वाले कॉन्टेक्टर में, ठीक है। तो ये जो दोनों कॉन्टेक्टर है, इनको चालू करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था कि इस पॉइंट से एक वायर को ले जाकर डायरेक्टली इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया था। अभी के टाइम पे यहाँ पे आपको एक एनसी कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा, पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आया जिसके वजह से मुझे यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। एनसी कॉन्टेक्ट क्यों इस्तेमाल किया, इसको मैं आपको इंचिंग वाले सर्किट एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल के टाइम पे आप ये समझिए कि यहाँ पे जो वायर है ये डायरेक्टली कनेक्ट है, किसी प्रकार का यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट कनेक्ट नहीं किया गया है, ओके। तो अभी के टाइम पे क्या होगा, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये वाला कॉन्टेक्टर और ये वाला कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो मैनुअली किस प्रकार से मोटर को चालू करेंगे, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो कॉन्टेक्टर है इनको हम ऑटोमेटिकली कैसे चालू करेंगे, यानी कि जैसे ही ट्रक यहाँ पे आ जाता है तो हमें पंप को चालू करना है। तो ट्रक को डिटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम कौन से टाइप का सेंसर का इस्तेमाल करें। यदि आप सेंसर को बाय करने जाते हो तो आपको मार्केट में बहुत सारे टाइप के सेंसर मिल जाएंगे, लेकिन डिपेंड यहाँ पे ये करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनका रिक्वायरमेंट ये था कि ट्रक जैसे ही यहाँ पे आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा पंप चालू होना चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पे सेंसर का सिलेक्शन किया वो किया रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर। रिफ्लेक्टिव टाइप का जो सेंसर होता है उसका जो डिस्टेंस होती है सेंस करने का वो बहुत ही ज्यादा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस है। 3 मीटर के डिस्टेंस को यदि हमें सेंस करना है तो इस कंडीशन में हमें रिफ्लेक्टिव टाइप के सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैंने जो यहाँ पे सेंसर का सिलेक्शन किया, इस सेंसर में एक प्रॉब्लम यह था कि ये वाला जो सेंसर है ये सेंसर डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है। फिलहाल के टाइम पे जो मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूँ ये कंट्रोलिंग एसी पावर सप्लाई का है, लेकिन जो सेंसर है ये सेंसर डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है। तो मुझे यहाँ पे एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए अलग से एक एसएमपीएस का इस्तेमाल करना पड़ गया। एसएमपीएस जो है उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ से फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिया और इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई मैंने यहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से वायर का लूपिंग किया गया है और इसको ले जाके मैंने SMPS को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। जो SMPS होता है उस SMPS के बॉडी को हमें अर्थ भी करना होता है, तो मैंने यहाँ पे अर्थिंग का भी सिंबल बना दिया, ठीक है। तो इस SMPS को हमने इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब SMPS से जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वो मिलेगा डीसी पावर सप्लाई। कितने वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई होगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा SMPS का इस्तेमाल किया हो। वैसे तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट का SMPS की आवश्यकता थी, ठीक है। तो SMPS से जो पावर सप्लाई जा रहा था इसको ले जाके डायरेक्टली मैंने सेंसर का जो ब्राउन वायर है उस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। जो ब्राउन वायर होती है उसमें हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है और ब्लू वायर में हमें नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा सेंसर का जो ब्लैक वायर होता है उससे हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है, तो ब्लैक वायर को ले जाके मैंने डायरेक्टली डीसी रिले के साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंसर से हमें पावर सप्लाई मिल रहा है डीसी पावर सप्लाई का, तो इसको डायरेक्टली ले जाके मैं कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बीच में मैंने यहाँ पे रिले कनेक्ट कर दिया जिससे कि सेंसर के द्वारा रिले ऑपरेट हो और इस रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कर लिया हूँ। तो मैंने क्या किया, इस रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल कर लिया कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। तो इस रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई, सेलेक्टर स्विच का जो ऑटो वाला सिलेक्शन है उस पॉइंट से मैंने कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ से पावर सप्लाई आया, इस पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। अब इस एनो कॉन्टेक्ट का आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके कॉन्टेक्टर को मैंने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अभी के टाइम पे एक वायर का लूपिंग है, ठीक है। अब यहाँ से वायर एक लूपिंग है इस कॉन्टेक्टर में, तो दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ चालू बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जो व्यूअर का रिक्वायरमेंट है उसमें यह भी कहा गया था कि उनको 30 सेकंड का टाइम डिले भी चाहिए ऑटोमेटिकली मोड में, यानी कि जैसे यहाँ पे ट्रक आता है ट्रक ढूंढना स्टार्ट हो जाए, इसके बाद जब ट्रक यहाँ से जाता है तो जो पंप है वो पंप 30 सेकंड तक चलना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए। तो इस काम को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर का इस्तेमाल कर लिया। ऑफ डिले टाइमर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो सेंसर है, इस सेंसर के सामने से जैसे ही ट्रक चला जाता है तो मुझे मोटर को तब भी रन करवाना है। यदि आपको कोई ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें क्या होगा, पावर सप्लाई जो है वो कट हो जाए, उसके बाद भी आपका जो मोटर है पंप है वो रन करते रहे, तो इसके लिए आपको टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी ऑफ डिले टाइमर। यदि आप अच्छे तरीके से ये समझना चाहते हो कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे टाइमर इस्तेमाल किया वो किया ऑफ डिले टाइमर, जो कि डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है। मैं चाहता तो यहाँ पे एसी पावर सप्लाई वाला भी टाइमर इस्तेमाल कर सकता, लेकिन थोड़ा सा सर्किट में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डीसी पावर सप्लाई वाली टाइमर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। वैसे जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें मैंने यहाँ पे एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला टाइमर इस्तेमाल किया हूँ, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया कि ये जो टाइमर है इस टाइमर को भी इसी रिले के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जिससे होगा क्या, यदि सेंसर के द्वारा पावर सप्लाई जनरेट करना बंद कर दे तो रिले और टाइमर दोनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा जब सेंसर से पावर सप्लाई जनरेट किया जाएगा तो रिले और टाइमर दोनों एक साथ ऑन हो जाए, इसी के लिए मैंने इस प्रकार से कनेक्शन कर दिया हूँ। ठीक है, अब ये जो टाइमर है इस टाइमर का मैंने एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। एनो कॉन्टैक्ट को पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जैसे ही हमारा ये वाला रिले ऑन होता है तो क्या होगा, ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके एनसी में कन्वर्ट होने से क्या होगा, कॉन्टैक्टर चालू हो गया। अब इसी रिले के साथ में टाइमर भी ऑन होगा तो क्या होगा, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ये भी एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनसी कॉन्टैक्ट तब तक रहेगा जब तक कि टाइमर में पावर सप्लाई रहता है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सेंसर है इस सेंसर से जब आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट करना बंद कर दिया जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस रिले को ना तो पावर सप्लाई मिलेगा ना ही इस टाइमर को पावर सप्लाई मिलेगा, यानी कि दोनों के दोनों ऑफ हो जाएंगे। यदि टाइमर को पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाता है तो इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑफ रिले टाइमर होता है उसका काउंटडाउन तब स्टार्ट होता है जब उस टाइमर में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाए, यानी कि इस पे पावर सप्लाई जैसे ही कट हुआ इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो टाइमर है इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट तब तक एनसी में ही रहेगा जब तक कि इस टाइमर का काउंटडाउन कंप्लीट नहीं होता, यानी कि टाइम कंप्लीट होने के बाद ही इसको ओपन करेगा। यदि टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो ये एनसी में रहेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस कॉन्टैक्टर को मिलता रहेगा। ये जो रिले है, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट तुरंत ओपन हो जाएगा जैसे ही सेंसर पावर सप्लाई देना बंद कर देता है। लेकिन ये जो टाइमर है इस टाइमर के द्वारा दोनों कॉन्टैक्टर को तब तक रन करवाया जाएगा जब तक कि इस टाइमर का जो टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ ये एनो में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से ये दोनों कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएंगे। ओके, तो ऑटोमेटिकली किस प्रकार से हम कॉन्टैक्टर को चालू करेंगे और मैनुअली किस प्रकार से चालू बंद करेंगे, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इंचिंग वाला जो सर्किट है उसका काम क्या है। तो ये जो इंचिंग सर्किट है इसका काम ये होगा कि यदि हमें किसी एक कॉन्टैक्टर को, यानी कि किसी एक वाटर पंप को चालू करना है तो सिंपली इस पुश बटन को प्रेस करके उसको हम चालू कर सकते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ चालू बंद होंगे, लेकिन यदि आपको केवल एक कॉन्टैक्टर को, यानी कि एक मोटर को चालू करना है तो सिंपली इस वाले पुश बटन को प्रेस करके हम उसको चालू कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो इंचिंग वाली सेलेक्टर स्विच है इसका जो एक नंबर का पोजिशन है उस पोजिशन से एक वायर को लाया और इसको ले जाके पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दिया। दो कॉन्टैक्टर है तो मैंने यहाँ पे दो पुश बटन इस्तेमाल कर लिया, एक पुश बटन होगा इस कॉन्टैक्टर के लिए, दूसरा पुश बटन होगा इस कॉन्टैक्टर के लिए। ओके, अब ये जो पहला पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए मैंने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। इसी प्रकार से दूसरे पुश बटन से पावर सप्लाई को ले जाके दूसरे कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए मैंने पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब इन दोनों कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हूँ। कॉन्टैक्टर को, टाइमर को, रिले को, सभी को मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं पुश बटन को प्रेस करने से पावर सप्लाई इस कॉन्टैक्टर में चला गया और इस वाले पुश बटन को प्रेस करने से ये वाला कॉन्टैक्टर चालू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि पहले जो मैंने यहाँ पे वायर लूपिंग किया था, उस लूपिंग करने के वजह से क्या हो रहा था कि जो मैं पुश बटन लगाया था इसको यदि मैं प्रेस करूँ तो दोनों कॉन्टैक्टर चालू हो रहे थे, लेकिन ये वाला जो पुश बटन था इसको लगाने का मकसद यही था कि केवल इसको यदि हम प्रेस करें तो केवल एक कॉन्टैक्टर उस टाइम पे चालू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वायर को कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा था, दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ चालू हो जा रहे थे, चाहे मैं इसको प्रेस करूँ चाहे इसको, दोनों कॉन्टैक्टर चालू हो रहे थे। तो इस वायर को मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ा। तो पहले जो मैंने यहाँ पे वायर का लूपिंग किया था उसको मुझे रिमूव करना पड़ा जिससे कि दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ चालू ना हो जाए। तो इन दोनों का तो लॉजिक कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन था वो कंडीशन खराब हो गया। जैसे कि इसको यदि मैं प्रेस करूँ स्टार्ट पुश बटन को तो ये वाला कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, लेकिन इस कॉन्टैक्टर से पावर सप्लाई मुझे इस वाले कॉन्टैक्टर में भी पहुँचाना पड़ेगा जिससे कि दोनों एक साथ चालू हो जाए। तो इस काम को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे अलग से एक रिले का इस्तेमाल करना पड़ा। ये जो रिले, इस रिले को फेस सप्लाई मैंने इंचिंग वाले सेलेक्टर स्विच के एक नंबर पोजीशन से प्रोवाइड कर दिया, यानी कि ये जो दोनों कॉन्टैक्टर है इनको चालू करने के लिए यदि मैं यहाँ पे एक नंबर का पोजीशन सेलेक्ट करूँ तो इस कंडीशन में ये रिले ऑन हो जाना चाहिए। और इसी रिले का मैंने यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिया। एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये हुआ, जैसे ही इस रिले को पावर सप्लाई जाएगा तो एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, यानी कि सर्किट ये वाला ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को दो नंबर पोजीशन पर सेलेक्ट करूं तो पावर सप्लाई इस तरफ फ्लो होगा, यहां से पावर सप्लाई कोई भी फ्लो नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, ये रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा। और इसके ऑफ कंडीशन में रहने से क्या होगा, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिया और इस एनसी कॉन्टैक्ट को मैंने पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से कर दिया। आप देख सकते हो एक वायर का लूपिंग यहाँ पे किया गया है। तो ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसका काम क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अब ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में आप देखोगे मैंने यहाँ पे दो इंडिकेशन लैंप को भी कनेक्ट किया हूँ जो कि ऑन इंडिकेशन लैंप है। इन दोनों इंडिकेशन लैंप को मैंने कॉन्टेक्टर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यानी कि कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उस पॉइंट से पावर सप्लाई को इंडिकेशन लैंप को भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ट्रिप इंडिकेशन लैंप का भी कनेक्शन करना था, तो इनका कनेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, जो ओवरलोड रिले, इस ओवरलोड रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट के द्वारा डायरेक्टली कनेक्शन कर दिया। यानी कि ओवरलोड रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसको मैंने डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया और उनके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके ट्रिप इंडिकेशन लैंप को मैंने पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। दोनों इंडिकेशन लैंप को मैंने अलग अलग लगा दिया हूं, ठीक है, इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई यहां से डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है। अब इन दोनों इंडिकेशन लैंप के अलावा मुझे यहां पे आवर मीटर का भी कनेक्शन करना था। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे उनने कहा था कि उनको आवर मीटर का भी कनेक्शन करना है, यहां पे लिखा हुआ है HR मीटर, ठीक है, आवर मीटर का भी कनेक्शन करना था। तो आवर मीटर का काम यह होता है कि जो मोटर है, मोटर कितने देर तक रन हो रहा है उसका टाइम को काउंट करे। ठीक है, तो टाइम को काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। फेज सप्लाई जहां से जाएगा उसी का ही टाइम को काउंट करेगा। तो हमें सिंपली क्या करना होता है कि इस मीटर का जो फेज सप्लाई वाली वायर है उसको ले जाके कॉन्टेक्टर का जो फेज सप्लाई है उसी के साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, एनो कॉन्टेक्ट के द्वारा पावर सप्लाई इसको प्रोवाइड कर दिया। अब एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई डायरेक्टली फेज सप्लाई के द्वारा प्रोवाइड कर दिया हूं। मैं चाहूं तो इस आवर मीटर का कनेक्शन इंडिकेशन लैंप के जैसे ही यहां पे कर सकता था, लेकिन मैंने यहां पे अलग से इसका सर्किट डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम को मैंने किस प्रकार से बनाया हूं और किस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम वर्क करेगा मैंने आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो सर्किट डायग्राम था, इस सर्किट डायग्राम को मेरे क्लाइंट को, यानी कि जिसने मुझे मैसेज किया था सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए, उनको भेज दिया। उनको भेजने के बाद में उनने थोड़ा सा करेक्शन करवाया। उनका कहना यह था कि उनको किसी भी प्रकार का इंचिंग सर्किट नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला जो सर्किट था इसको पूरा ही रिमूव करना था। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन किया, उस कनेक्शन में उनको ये कहना था कि दोनों कॉन्टेक्टर के लिए अलग अलग इंडिकेशन लैंप बना दो। अभी जो ये वाला कनेक्शन किया गया, इस कनेक्शन में क्या हो रहा था कि इंडिकेशन लैंप दोनों एक साथ ग्लो हो रहे थे, चाहे आपका एक कॉन्टेक्टर चालू रहा है या दूसरा भी चालू रहा है, दोनों कंडीशन में इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा था। तो इन दोनों को भी अलग करने के लिए उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो टाइमर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो DC टाइमर नहीं चाहिए, उनको चाहिए AC टाइमर। तो इन तीनों चीज को मॉडिफाई करने के बाद मैंने ये वाला सर्किट डायग्राम को बिल्ड किया। ये वाला जो सर्किट डायग्राम है ये और भी सिंपल है। इसमें सिंपली डी ऑयल स्टार्टर बनाया गया है जिसमें ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच का ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो वाटर पंप को मैनुअली चालू करने के लिए ये वाला सर्किट डायग्राम हो गया। इसके अलावा वाटर पंप को ऑटोमेटिकली चालू करने के लिए सेम टू सेम कनेक्शन है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका भी कनेक्शन सेम टू सेम किया गया है, केवल यहाँ पे जो टाइमर है इस टाइमर का कनेक्शन चेंज किया गया है। इसमें क्या किया गया कि जो टाइमर है इस टाइमर को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी है। अब ये जो टाइमर है ये टाइमर हमारा इस रिले के साथ में ऑपरेट होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इस रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसको कनेक्ट कर दिया। एनो कॉन्टेक्ट के द्वारा मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फेज सप्लाई का कनेक्शन कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्टेक्टर है, इन दोनों कॉन्टेक्टर का जो ऑन इंडिकेशन लैंप है उसका कनेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसके द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी प्रकार से ऑफ इंडिकेशन लैंप के लिए मैंने NC कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया ट्रिप इंडिकेशन लैंप के लिए, आवर मीटर का कनेक्शन सेम टू सेम है। तो मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि पूरा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों यदि आपको ऑन डिले टाइमर ऑफ डिले टाइमर के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ में नहीं आता है तो ये जो राइट वाली वीडियो है इसको देख लीजिए, आपका जो पूरा डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।